टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच अब आतंकी अफजल गुरु पर तनाव क्यों है? अब्दुल्ला जमात अफजल के साथ है, राहुल गांधी को क्या यह कबूल है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रद्रोही चुनाव बहस के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह बात दुर्भाग्यपूर्ण थी कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि हमसे अगर पूछा जाता, यानी राज्य सरकार से पूछा जाता, तो ये मंजूरी नहीं देते, यानी अफजल को फांसी की मंजूरी नहीं देते। इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे कि जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही अचानक उमर अब्दुल्ला का अफजल प्रेम क्यों जाग गया? पहले जमाते इस्लामी और अब अफजल प्रेम वाले अब्दुल्ला के बयान के बाद बवाल मचा है। इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकियों का समर्थन करने की बात कह रही है। सवाल कांग्रेस से भी किया जा रहा है, मगर कांग्रेस ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जिसके बाद बड़ा सवाल ये कि अब्दुल्ला जमात अफजल के साथ है, क्या ये राहुल गांधी को कबूल है क्या? इसी पर हमारी आज की डिबेट। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. उमर अब्दुल्ला किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपराधियों के ऊपर सजा देने के पहले क्या किसी मुख्यमंत्री से पूछता है, किसी प्रधानमंत्री से पूछता है? इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी तारीखों के करीब आने के साथ तनाव बढ़ता जा रहा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार वोटिंग होने जा रही, लिहाजा जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे। अब्दुल्ला परिवार किसी भी कीमत पर सत्ता चाहता है, फिर इसके लिए चाहे प्रतिबंधित संगठन के साथ खड़ा होना पड़े या फिर देश पर हमले के साजिशकर्ताओं के साथ, उसे कोई गुरेज नहीं। ताजा मामला संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को लेकर गरमाया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी चली होती तो अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दिए होते। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. सोपोर का रहने वाला जो अफजल पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य बना, आतंकी ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान के गाजियाबाद में जाकर आतंकियों से मिला, फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ली, जो देश की आत्मा संसद पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे देश की अदालत ने इसलिए सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि संसद में घुसे आतंकियों को मदद करने का अफजल का दोष साबित हो गया था। उसी अफजल गुरु के लिए जूनियर अब्दुल्ला आंसू बहा रहे, उसकी फांसी से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ ये कह रहे। तो अब्दुल्ला जी सुनिए, मकसद पूरा हुआ अफजल की फांसी से। मकसद संदेश देने का कि अगर कोई आतंकियों की मदद करेगा, संसद और देश पर हमले में किसी तरह शामिल होगा, तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। उमर ने अफजल की फांसी पर अफसोस जताया तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। बीजेपी ने एक सुर में इसे वोट के लिए आतंकियों की पैरवी बताकर कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। उमर अब्दुल्ला किसको मूर्ख बना रहे हैं? चुनाव आया है, जनता को वो मूर्ख समझते हैं? कश्मीर की जनता को कभी किसी कोर्ट ने, किसी जज ने, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अपने जजमेंट लिखने के पहले, अपराधियों के ऊपर सजा देने के पहले क्या किसी मुख्यमंत्री से पूछता है, किसी प्रधानमंत्री से पूछता है? और वो अफजल गुरु जिसने संसद के ऊपर अटैक किया, करवाया, उस अफजल गुरु के विषय में बोल रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में
ये एनआईए को दिए गए इंटरव्यू में ये स्पष्ट कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो आतंकवादी अफजल गुरु की हैंगिंग को रोक देते। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो आतंकवादियों को समर्थन करने वाला अलायंस है। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं? बीजेपी सवाल पूछ रही, सवाल कि जिस कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अफजल को फांसी पर लटकाया गया वो खामोश क्यों है? पहले 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, अब अफजल गुरु की फांसी पर उमर अब्दुल्ला के आंसुओं पर भी क्यों खामोश है? जवाब कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने दिया और जवाब में उल्टे सवाल दाग दिया कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के स्टैंड पर रिएक्शन देती है? कमेंट मेड बाय मिस्टर उमर अब्दुल्ला, डज द बीजेपी रिस्पॉन्ड ऑन एनी एवरी स्टेटमेंट मेड बाय मिस्टर नायडू और मिस्टर नीतीश कुमार? इन दैट केस आई वॉन्ट टू आस्क द बीजेपी, वॉट इज योर कॉमेंट ऑन द प्रोमिस मेड ऑन मुस्लिम रिजर्वेशन बाय मिस्टर नायडू? आस्क देम टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट। वाई शुड आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट माई अलाइज से? पवन खेड़ा कह रहे कि गठबंधन में कौन क्या करेगा उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कैसे? ठीक भी है, लेकिन सवाल की हर छोटे बड़े फैसलों में पीएम मोदी को जिम्मेदार बता कोसने वाले खुद पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी को क्या जूनियर अब्दुल्ला से नहीं पूछना चाहिए कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड के समर्थन में वो क्यों खड़े? 370 वापसी का राग क्यों अराप रहे? बात इतनी नहीं, उमर अब्दुल्ला प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के भी साथ खड़े हैं। वो जमाते इस्लामी जो 2019 से प्रतिबंधित है, जिस पर आतंकी संगठनों को फंड और वैचारिक समर्थन देने का आरोप है, जिस पर कश्मीर में आतंकवाद आतंकी संगठनों और पथराव का समर्थन करने का आरोप है। हमें टिकट का फैसला करने दीजिए, हम कर लेंगे। हम टोकनिज्म पे भरोसा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो अपने घर सही सलामत वापस आए और यहाँ पे बसने का काम करें। उनको यहाँ से दोबारा निकलने का काम और निकालने का काम इस हुकूमत ने किया। सबसे ज़्यादा अगर कश्मीरी पंडितों को ने तकलीफों का सामना किया वो इस हुकूमत के दौरान किया। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, आतंकियों का खुला समर्थन करता हो, जो शख्स पाकिस्तान जाकर फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले चुका हो, देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड रहा हो, उसके समर्थन में खड़े होकर अब्दुल्ला आखिर जताना क्या चाहे? अफजल हम शर्मिंदा है ऐसा जताकर क्या अब्दुल्ला को वोट मिल जाएंगे? पहले जमाते इस्लामी को समर्थन, अब अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस, क्या ऐसा करना देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि अब्दुल्ला तो जमात अफजल गुरु के साथ है, क्या कांग्रेस को ये कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल सबसे बड़ा ये है कि चुनाव तो ठीक है लेकिन चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे क्या? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, इतिहासकार हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, गौरव कपूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता, शौकत अली चौधरी हैं पीडीपी के नेता, वकार भट्टी हैं इनकी अपनी पार्टी और पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव कपूर, पहला सवाल आपसे है, चुनाव तो ठीक है सर लेकिन अफजल हम शर्मिंदा हैं ये कहकर सिंपैथी मिल जाएगी, ये कहकर चुनाव जीत जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात पर हैरान हूं कि कल जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उस पे कोई आज जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा जुमला है उसमें जो दिए गए और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो बेवकूफ बनाने का काम किया गया उसके ऊपर आपकी कोई डिस्कशन नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मैनिफेस्टो आया तो एकदम पूरे देश में भाजपा ने आग लगाने का काम किया, वहां भी ये चीज दिखाने की कोशिश की कि ये अलगाववादियों को सपोर्टर है, ये वो एंटी नेशनल है, ये वो है। लेकिन ये जो अब इस बार जो भाजपा ने जो किया वो उस पर उस मैनिफेस्टो पे कोई बात करना नहीं चाहता। दूसरी बात मैं आपको जो आपका सवाल है, देखिए अगर नहीं मैं एक चीज क्लियर कर दूं, गौरव भाई आप ही के पास हूं, एक चीज क्लियर कर दूं, आपने मैनिफेस्टो की बात कही तो सर एंटी नेशनल किसी के भी मैनिफेस्टो में रहेगा उस पर मैं डिबेट कर लूंगा,
बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको कुछ एंटी नेशनल दिखाई दिया तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर डिबेट कर लूंगा। रही बात वादों को आप चुनावी जुमला कह रहे हैं तो सर वो जनता तय कर लेगी, अगर उनको लगेगा कि ये जुमला है तो वोट नहीं देगी, अगर उनको लगेगा कि सही में पूरा हो सकता है तो वोट दे देगी। आपके भी मैनिफेस्टो में सिलेंडर के वादे थे, नौकरियों के वादे थे। मैंने कहा उस दिन जिस दिन आपके मैनिफेस्टो पर डिबेट कर रहा था कि ये वादे ठीक है, होने भी चाहिए ऐसे वादे, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि 370 हम लेकर आएंगे तो भाई ये वाला वादा हमको हजम नहीं होता है। चलिए आगे अपनी बात पूरी करिए, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात है, आपको मैं एक चीज बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम कुछ भी इस तरीके का अगर डिसीजन, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, कोई भी इस तरीके का अगर कोई डिसीजन होता है जिसको आप लेके बात कर रहे हैं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हमें इस तरीके का राइट मिलता है कि हम उनके दरवाजे पे जाकर किसी बात को दोबारा गुहार लगा सकते हैं, तो उसमें लगाने में क्या दिक्कत है? फैसला नहीं तो लगाने में क्या दिक्कत है? गौरव कपूर, मैं नहीं कह रहा हूं कोई दिक्कत है। अफजल गुरु पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया, उसे हैंग कर दिया गया, संसद पर हमले का दोषी, और आप कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाता तो भाई हम फांसी देने नहीं देते। आप होते कौन है जो आपसे पूछा जाता? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो एक बार जब फैसला होता है तो दोबारा एक बार सुनवाई के लिए वहां एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाती है। गौरव भाई, वो मामला खत्म हो गया, अफजल गुरु इतिहास है, बुरा इतिहास है इस देश का, उसे हैंग कर दिया गया 2013 में, अब क्या बचा उस पर? देखिए मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूं। अगर आप कहते वो तैयार था तो बात तो इतिहास की गई, कोई आज प्रेजेंट की बात थोड़ी की गई। अरे तो सर आप उसके साथ खड़ा होना दिखाएंगे खुद को? आप ये कहेंगे कि आतंकी अफजल गुरु के फांसी पर अफसोस है? हम शर्मिंदा है ये कहेंगे आप? हम जम्मू कश्मीर के हर एक आवाम के साथ खड़े हैं। अरे तो आवाम के साथ खड़े होंगे सर जम्मू के? अरे सुनिए गौरव भाई, ये बात आपकी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं और आतंकी अफजल गुरु के साथ खड़े हैं, दोनों एक ही बात हो गई, तो जम्मू कश्मीर की आवाम आतंकी नहीं है? हम जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ खड़े। मैं आपको समझाता हूँ सर, आपने इतिहास की बात की, मैं शाजिया थोड़ा सा आधा मिनट समय दीजिएगा, कपिल जी के पास जाना जरूरी है, मैं सीधे आपके पास आ रहा था, चूंकि इतिहास की बात कर दी कि बुरा इतिहास उसकी चर्चा क्यों? कपिल कुमार जी, बड़ा इतिहास से प्रेम हो गया इनको, गौरव कपूर को? अरे साहब इनको तो उस इतिहास से भी प्रेम है, मैं इन्हें डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाने शुरू करूंगा ना तो इनकी आंखें फट जाएंगी कि जब शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हुए थे ना पहली बार, तो किस तरीके से लियाकत अली से और पीओके के इस्माइल खान से बातचीत कर रहे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ चुके हैं अंग्रेजी रिपोर्ट्स के अंदर। जम्मू कश्मीर अगर मजबूत हिस्सा है, छोड़िए बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, बीच में बोलोगे तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, समझ गए? बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा। गौरव कपूर सुनिए ना सर, सुनिए आपकी बात का मैं जवाब बीजेपी से लेता, आपने इतिहास की चर्चा कर दी इसीलिए कुछ इतिहास का पाठ पढ़वाने के लिए आपको लेकर आ गया मैं प्रोफेसर कपिल के पास, तो सर उनकी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, जो आपको गलत लगेगा आपके हिसाब से, आपके प्रोपेगेंडा के हिसाब से आप उसको ठीक कर दीजिएगा, तो एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट उनको सुन लीजिए गौरव भाई, सेकंड दे दीजिए गौरव भाई, जम्मू कश्मीर अच्छा बोलिए, हिंदुस्तान का अगर मजबूत अंग है तो उसको अगर जोड़ने में, अरे अगर नहीं भाई गौरव कपूर, कंडीशन मत रखिए, अगर मजबूत अंग है नहीं, मजबूत अंग था है और रहेगा, तो उसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, हाँ तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। चलिए आपकी बात हो गई, बोलिए कपिल जी, रुक जाइए, आपकी बात हो गई। देखिए इन जैसे लोगों को सुन के मुझे लगता है आज ये नारा आपके चैनल से मैं लगा रहा हूं कि भारतवासी शर्मिंदा है इस देश में, इन जैसे गद्दार आज भी जिंदा है, तभी 96 जी हाँ पैदा कर रखे है गद्दार तुम लोगों ने, जो आतंकवादी की आकर के वो करते हो यहाँ पे। अरे फारूक अब्दुल्ला का इतिहास उठा के देखो, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को। शेख अब्दुल्ला एक स्कूल का मास्टर होता था, बताइए इतनी इतनी जायदाद तुम पे कहां से आई, कश्मीरी को लूट लूट के तुमने खाया है, और इसीलिए आज फिर 370 की बात करते हो, उस 370 की बात करते हो जिसने भारत से चीन को कश्मीर को अलग रख रखा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम जैसे आदमी 370 की बात करते हैं, और कितने आतंकी इन्होंने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर, इनसे 370 के बाद कितने आतंकी तुमने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर, बच्चों से तुम पत्थरबाजी करवाते हो। अरे तुम लोगों एकदम घरों में पाकिस्तानी एजेंट आते थे आईएसआई के,
मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला के घर पे तो आईएसआई के एजेंट जाते थे। मैं आगे बढ़ता हूँ। गौरव कपूर, ये मसला मैनिफेस्टो में किए गए वायदों का नहीं है भाई, ये समझिए जो आप तुलना कर रहे थे। ये मसला इस बात पर है कि आप एक आतंकी के साथ जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहा, जो संसद पर हमले का दोषी रहा, जो इस देश की आत्मा है, उस आत्मा में घुसकर जिन आतंकियों ने कत्लेआम मचाने की कोशिश की, उनको सपोर्ट करने का दोषी पाया सुप्रीम कोर्ट ने। और करेगा, करेगा, ये जेचन बैठा है यहाँ पे कपूर के नाम से। उसके साथ खुद को खड़ा होता दिखाना चाह रहे हैं शाजिया आजमी। हम आपको ठीक है सर, आ रहा हूं। जो शाजिया आजमी से बड़े आपने सवाल पूछे थे, शाजिया आजमी जवाब दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में वादे और इनका आतंकी अफजल गुरु का खड़ा के साथ खड़ा होना दोनों एक ही है। मुझे यकीन नहीं आता कितने हैरान परेशान और सकते में हैं और ट्रॉमा में है उमर अब्दुल्ला कि उनको एक मरे हुए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। शर्म आनी चाहिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या हो गया इस शख्स को जो अपने सर से टोपी उठाकर भीख मांग रहा है लोगों से, जिसने भारी शिकस्त बोलने दीजिए। देखिए मैं बिल्कुल बोलने नहीं, देखिए ऐसे बात चुप कर जाओ। नहीं रुकिए, मैं गौरव कपूर एक एक करके प्लीज सर प्लीज समझा करिए इस बात को। शाजिया इल्मी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप ही से डिबेट मैंने शुरू की। शाजिया बोलिए। जी तो देखिए हालत इनके लोगों की, देखिए कितनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, कैसे रिजेक्टेड हो गई है सारे परिवार, एक परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार, और वो परिवारों ने जिन्होंने आग लगाई है। और आपके कपिल भाई साहब क्या कह रहे थे, कश्मीर को अलग थलग रखा है, इन्होंने कश्मीरियों को अलग थलग रखा है, इन्होंने कश्मीरी, आम कश्मीरी को, आम जम्मू निवासी के साथ क्या किया है। ये बात करते हैं दुनिया भर में आरक्षण की, वहां आरक्षण छीनने आए ये लोग, पहली बार वहां पे भारत के संविधान के अधीन चुनाव लड़े जा रहे हैं। और देखिए हालत इनकी कैसे कांप रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी, कभी बात कर रहे हैं, सोचिए आपको मरे हुए आतंकवादी जिसने संसद पर हमला किया था, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने जजमेंट दिया था, जिसके साथ पहले भी सब जानते हैं कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ रहा है, लेकिन अब देखिए किस तरह से वो जग जाहिर हो रहा है। क्यों गए थे राहुल गांधी मिलने के लिए और क्यों मिलना चाह रहे थे वो उन लोगों के साथ जो कह रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। सोचिए भाई साहब, और उस उमर अब्दुल्ला को याद आए हैं अफजल गुरु, ये हालत देखिए क्या कर दिया। मैं एक सवाल गौरव कपूर आपसे पूछ रहा हूँ, शाजिया आ रहा हूँ, गौरव कपूर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक बात मुझे दिया, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ शाजिया, तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। गौरव कपूर एक छोटा सा सवाल छोटा जवाब, ऐसी क्या चुनावी मजबूरी है भाई, आप वादे करिए ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चुनावी मजबूरी कि अफजल गुरु का नाम लेना पड़ जाए, ऐसी कौन सी चुनावी मजबूरी कि जो प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी है उसके साथ आप जाकर खड़े हो जाएं, यही मुद्दा आप लोगों के पास रह गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे की जरूरत है आपको, असगर मजूद की जरूरत है आपको, लश्कर तैयबा की जरूरत है आपको, फिर आप इन्हीं से जवाब ले लीजिए। जवाब दे रहा हूँ ना, अब क्यों मिर्चे लग जाती है जब सचाता है सामने, तो जवाब दे दीजिए, अब क्यों मिर्चे लग रही है, खुद तो बीच में बोल रहे थे ना जब मैंने कहा था भट्टों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे में सेंटर की हुकूमत 96 में दरवाजे फारूक साहब के पड़ी थी, क्या फारूक साहब ने खड़ी थी, फारूक साहब रोज पाकिस्तान पाकिस्तान का आलाप गाते हैं, नहीं मैं 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 आलाप गाते हैं रोज पाकिस्तान का। सर एक मिनट, गौरव कपूर छोड़िए ना सर, सुनिए आपकी पार्टी का इतिहास फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला का इतिहास नहीं जानना है सर, सुनिए ना, बी स्पेसिफिक ऑन क्वेश्चन, सुनिए बहुत सारे मेहमान हैं, तीन लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है, रुक जाइए सर एक, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूँ, सिर्फ मुझे मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए, ऐसी क्या चुनावी मजबूरी की अफजल गुरु और जमाते इस्लामी के साथ आपको खड़ा होना पड़ रहा है। मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जब सेंटर की हुकूमत इन लोगों के दरवाजे पे जाए तब बात ठीक लगती है, उस वक्त तो कोई मुद्दा नहीं उठा। अफजल गुरु के पास कौन गया, अफजल गुरु के पास कौन कब गया,
अब जलगुरु के पास कौन कब गया? गौरव कपूर, किस पार्टी के किस नेता ने अफजलगुरु से बातचीत की? नहीं, मुझे बताइए। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अरे सुनिए ना, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, यूपीए गवर्नमेंट रही हो, या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार रही हो, कौन सा नेता मंत्री गया अफजलगुरु के दर पर, बताइए मुझे। जमात इस्लामी के दर पर कौन गया? अरे अभी गौरव कपूर, मेरे आपसे सवाल पूछा क्या अफजल गुरु जमात इस्लामी को लेकर? तो इधर उधर मत भागिए ना। आप कह रहे हैं कौन इनके दर पर गया, तो बताइए ना कौन इनके दर पर गया। अरे कौन से आईएसआई के कैंप में ट्रेनिंग लेके आए हैं? शाजिया एक क्विक रिप्लाई, आपकी बात लगी थी, फिर जगदीश जी और बाकी मेहमानों का रुख करता हूँ। शाजिया एक क्विक रिप्लाई। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने को क्या कर दिया, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि वो संविधान के साथ खड़ी है इस वक्त की नहीं। संविधान की प्रतियां लेकर डोलना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे जब पहली बार देश के संविधान के अधीन, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं, चुनाव लड़े जा रहे हैं एक झंडे के नीचे, भारतीय ध्वज के नीचे, तब क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है, मजाकरात हो, बातचीत हो, एलओसी ट्रेड की बात हो, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि संविधान पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, आरक्षण पर ये पार्टी कहां खड़ी है, और बताना होगा जाके महाराष्ट्र में कि क्यों कांग्रेस चाहती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो। ये बताना होगा हरियाणा में हर एक सैनिक के घर में जाकर कि कांग्रेस पार्टी चाहती है बाकायदा पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मजाकरात हो, ट्रेड हो, बेहतर रिश्ते हो। ये बताना पड़ेगा कांग्रेस क्या किस लिए खड़ी होती है। कांग्रेस को ये भी बताना होगा जाकर महाराष्ट्र में, हर पूछ ही लेता हूँ, मैं पूछ ही लेता हूँ शाजिया। चलिए जगदीश जी जवाब दीजिए, जितने शाजिया के सवाल है और उसमें मैं सवाल ऐड कर दूं, तो भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बयानों पर अपना स्टैंड साफ कर दीजिए। हाँ साजिया जी, बड़ी परेशान लग रही है, सत्ता डगमगाती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में 370 का लाप लगा रही थी, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अस्वीकार कर दिया, और हमने 370 का कभी विरोध नहीं करा। हमने कहा संवैधानिक करो, तरीके से करो, लोगों को बंद करके जबरदस्ती मत करो, हमने ये कहा, कभी विरोध नहीं करा। और जो अब्दुल्ला की बात करें तो पीडीपी, अब आप चुप रहिए, पर्दा पास आपका हुआ, आप चुप रहिए। अरे जनता करेगी, जनता करेगी, जैसे आपका गृहमंत्री चिल्ला रहा कसम कराना, पता लग रहा है जब आपके मंत्री गिरिराज ने कह दिया कि कोर्ट पूछेगा क्या, तो इसको तो बनता नहीं है, पर आपको डिबेट हिंदू में। अरे अरे बहन जी चुप रहिए ना भाई, राकेश जी तो चुप रहो, सुनने की आदत डाले। अरे बीच में कहां बोल दिया, आपकी बौखलाहट बता रही है, आपके हालात खराब है, आपका गृहमंत्री जिस तरह तड़फड़ा रहा है जम्मू कश्मीर जाके, आप लो ना, आप गृहमंत्री जो बोले चौगज का मकान लेके दिखाए, 370 हटा दिया, आपने क्या बना दिया है, आपने जम्मू कश्मीर और भारत का माहौल खराब कर दिया है। और जिस कसाब की आप बात कर रहे हैं उसको फांसी भी हमने दी है, आपकी लाचार मजबूर सरकार के टाइम में। अरे जगदीश जी आप सुनते नहीं है सर, सुनिए ना, अरे एक मिनट, अरे सुनिए ना जगदीश जी, अरे सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, एक तो अभी कसाब की बात नहीं हो रही है, सुनिए, अरे एक मिनट शाजिया, शाजिया जगदीश जी शायद सवाल नहीं समझ पाए, जगदीश जी सुनिए ना। हाँ, अफजल गुरु को आप लोगों ने फांसी दी, आपकी सरकार थी, मैं तो कह तो रहा हूँ, मैंने कब उससे इनकार किया? अरे फांसी न्यायालय ने दी, हाँ ठीक है, लेकिन सरकार इन लोगों की थी, न्यायालय ने फैसला दिया, लेकिन क्रेडिट को लेके उससे हाथ मिला रहे जाके, जो कह रहा है कि गलत हुआ था, नहीं क्या दोहरी राजनीति है कांग्रेस? अरे जगदीश जी, जगदीश जी, अरे सर सवाल, सर सुनिए ना, सवाल ये है कि अफजल गुरु की फांसी पर अब्दुल्ला अफसोस जता रहे हैं, तो आप लोग इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ करते? 370 कह रहे हैं वापस लाएंगे, तो इस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ करते? वो कहते हैं जमात इस्लामी के साथ हम खड़े हैं, तो आप उसके उस पर अपना स्टैंड क्यों नहीं बताते? राकेश भाई हमारा स्टैंड क्लियर है, क्या है अब्दुल्ला कह रहे हैं उनको वाकई जनता तय करेगी क्या करना है, हमारा स्टैंड क्लियर। चिदंबरम ने क्या कहा था पीडीपी पर ये गए, हम तो क्या 2016 में पी चिदंबरम ने क्या कहा था जगदीश जी? 2070 का हमने कभी 2016 370 का कभी नहीं शादिया, एक फैक्ट है, गलत था, लोगों को बंद करके जबरदस्ती थोप दिया, एक मिनट ने घर दिया, शादिया शादिया एक मिनट, अरे जगदीश जगदीश भाई सुनिए, जगदीश भाई सुनिए ना, 2016 में सुनिए, 2016 में सुनिए ना, 2016 में पी चिदम्बरम, अरे सुना करिए फैक्ट भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे एलाइज का बयान है, हम क्यों जवाब देने जाएं? तो आपके नेता ने पी चिदम्बरम ने 2016 में कहा था कि अफजल गुरु को लेकर ईमानदारी से राय नहीं रखी गई, तो आप तो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है,
भाई मैं तो समझता हूँ अफजल गुरु को लेकर सीधा फांस सीधी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की सरकार कांग्रेस पार्टी ने। तो सर बोलिए, आलोचना करिए ना उमर अब्दुल्ला के बयान की, बोलिए हमारी लीडरशिप उनसे सवाल करेगी कि आप अफजल गुरु के साथ क्यों खड़े हैं। बात खत्म, आपसे सवाल खत्म। वहाँ की जनता करेगी, आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें इसका कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ की जनता तय करेगी। अब्दुल्ला ठीक करें गलत करें, आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं आगे आप राहुल पार्लियामेंट पर अटैक कर, हमने फांसी दी। पार्लियामेंट पर अटैक कर, हमने फांसी दी। ये जरूरत कैसे की राज्य सरकार? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जगदीश जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फांसी दी गई, ये ठीक है? आप लोगों की सरकार थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो सर उसी अफजल गुरु के फांसी पर जो अफसोस जता रहे हैं, उनके साथ अगर आप खड़े रहेंगे तो सर सवाल पूछा जाएगा, या तो पब्लिकली आप भी उनसे सवाल पूछिए कि भाई ये क्या बयान दे दिया, क्यों ऐसा बयान दे दिया। हमें कोई अफसोस नहीं है। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ आपका अफसोस है, उमर अब्दुल्ला को अफसोस है, उनसे सवाल पूछिए जाकर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अफसोस है। चलिए शौकत अली चौधरी के पास मैं जा रहा हूँ, रुक जाइए, आगे बढ़ने दीजिए, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। शौकत अली चौधरी, पीडीपी ने अभी अफजल गुरु पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जमाते इस्लामी पर उनके साथ खड़े हैं।